चलपल्ली में सड़क बहाली अमल में लाई गई। इस सिलसिले में एमपीटीसी मोहम्मद अफजल ने बताया कि हालिया शदीद बारिश के बाद वादी मुस्तफ़ा जलपल्ली में बारिश का पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना था। चुनाचे इस जिमन में मुतवातिर नुमाइंदगी के बाद मस्कुरा सड़क की बहाली अमल में लाई गई। मैं शेख अफजल, एमपीटीसी वादी मुस्तफ़ा जलपल्ली म्यूनसिपल। आज हमारे पास जलपल्ली कमान से जलपल्ली म्यूनसिपल को आने के लिए रास्ते की बहुत तकलीफ़ थी। गुज़श्ता साल भी बहुत तकलीफ़ थी, उसको भी थोड़ा नुमाइंदगी करे तो थोड़ा बहुत रिपेयर करे, बावजूद वो सक्सेस नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार वाकई बहुत कमर तक पानी आ गया था। जो जलपल्ली विलेज से डाकरा ग्रुप के लेडीज़ बैंक को जाने के लिए तकलीफ़ थी, और वादी मुस्तफ़ा अपने पहाड़ी शरीफ एरागुंटा कोतापेट बालापुर कुछ भी मसाइल्स लेके अपने जलपल्ली म्यूनसिपल आने के लिए वाकई बहुत 8-10 किलोमीटर से फिर के आना पड़ रहा था। उस वजह से बहुत मैं दिल से तवज्जो लेके डिसमेंटल लेके हमारे एरिया एमएलए को भी गुज़श्ता साल गुजारिश करे, उन्होंने भी तवज्जो नहीं लिए। फिर ये साल बहुत 2 महीने से बहुत मेहनत करके हमारे कमिश्नर साबिर अली साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि उन्होंने भी हमारे को हौसला बढ़ाए, सामने ठहरो बोल के हम पूरे दिल लगा के 2 महीने से जो मेहनत करे आज अल्लाह ताला के तरफ से इंशाल्लाह कामयाबी हो गई। आज रोड चालू हो गई और चल रहा काम, इंशाल्लाह जल्द से जल्द और अच्छी सी तरीके से हम रोड को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी वर्कर और ऑल पार्टी वर्कर के सबको हमारा ताउन करके साथ दे बोल के इंशाल्लाह दिल से हम गुजारिश कर रहे। और हमारे सविता मैडम भी आए थे दौरा करे, इंशाल्लाह उनकी भी ज़्यादा इस पर तवज्जो थी, परेशानी है बोल के उन्होंने भी बार बार इसके बारे में पूछते गए हमारे को। आज हम इसलिए आज ये रोड को चलने के लिए कामयाबी हो गई हमारे को, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।